देखिए आपके घर में भी इस वक्त दिवाली की सफाई जो है वो शुरू हो ही गई होगी। ऐसे में अच्छा सा मीम जो है वो यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था कि मम्मी के साथ दिवाली की सफाई करना मूनलाइटिंग नहीं होता है, मगर हाँ घर के लिए बहुत शुभ होता है, ये तो हम जानते हैं। मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज धर्मा लाइव पर हम बात करने वाले हैं कि दिवाली की सफाई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है। सबसे पहली चीज तो देखिए, दिवाली जिस टाइम पर आती है ना, ये सीजनल ट्रांजिशन का टाइम होता है। सीजनल ट्रांजिशन यानी कि ये वही समय है जब गर्मी से सर्दियों की तरफ जो है हम जा रहे हैं, और ज्यादातर इन्फेक्शन, ज्यादातर धूल मिट्टी, ये सारी चीजें जो है वो इसी वक्त चल रही होती हैं आपके आसपास। इन सारी चीजों को हटाने के लिए दिवाली के समय सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। अच्छा, दिवाली की सफाई जो है, इससे धूल मिट्टी जो आप हटाते हैं, इससे आने वाले सर्दी के समय में जो काई या फिर जिसे हम फंगस कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं जमती हैं और घर जो है वो साफ, सुरक्षित, इन्फेक्शन फ्री रहता है। ऐसे में आपके घर में बच्चे, बूढ़े सभी जो हैं उनकी हेल्थ के लिए दिवाली के समय पर जो आप सफाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो इस टाइम पर होती है वो है ये कि दिवाली की सफाई के समय ही ऑफ कोर्स हमें ये याद दिलाया जाता है कि जितना अच्छे से आप अपने घर को चमकाएंगे उतना ज्यादा लक्ष्मी जो है वो खुश होंगी। जी, लक्ष्मी यानी कि धन, संपत्ति, सौहार्द जो है वो सफाई में बसता है। गंदगी में ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी वो नहीं रह सकती। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप घर को साफ रखते हैं, साफ, अच्छा, सुंदर रखते हैं, तो लक्ष्मी जी जो है वो आप तक ज्यादा आसानी से आ सकती है, उनको आपके घर का रास्ता ज्यादा आसानी से मिल जाता है। जहां हम इसकी बात करें, एक और चीज यहाँ पर नोट करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि जब भी हम बात करें दिवाली की सफाई की, तो देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि दिवाली की सफाई करते समय सिर्फ घर की ही नहीं, मन की भी सफाई जो है वो जरूर करें। जी, बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर बुरी मंशाएं जो है, किसी के प्रति कोई भी घृणा, किसी के प्रति कोई भी आपके मन में परेशान करने वाली कुछ भी ऐसे इमोशंस अगर हैं, तो उन्हें भी जरूर साफ करें, उन्हें भी अपने दिल से निकाल दें। हो सके तो एक और छोटा सा रिचुअल मैं आपको बताती हूँ जो कि दिवाली की सफाई के साथ आप कर सकते हैं, वो है ये कि किसी जर्नल पर या किसी साफ पेपर पर, ठीक है, आप अपने मन के कोई भी बुरे विचार जो कि आप अपने मन से निकालना चाहते हैं उन्हें लिख दें, उसके बाद इसे फाड़ कर और इसे फेंक दें अपनी सफाई के सारे के सारे जो भी कूड़ा आपने इकट्ठा किया है उसके साथ। ऐसे में आपकी मन की सफाई जो है वो भी हो जाएगी। और आखिर में एक चीज जिसके साथ में ये वीडियो जो है वो एंड करना चाहूंगी, वो है ये कि जब भी हम बात करते हैं सफाई की, तो हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं जो सफाई में हमारी मदद करते हैं, उनको भी उनका मेहनताना देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, अपनी तरफ से मेहनताना जो है उसको देकर ही सफाई जो है वो करवाएं, और अच्छे तरीके से इन लोगों को इनका मेहनताना जो है वो दें। इनको थोड़े गिफ्ट्स जो है वो भी आप दे सकते हैं, जरूरत की चीजें दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा करने से आपका शनि जो है वो बेहतर होता है। एक और छोटी सी टिप कि इस टाइम पर कई सारे लोग जो होते हैं ना वो सफाई पूरी नहीं करते हैं, हाँ अपनी तरफ से जो भी पुराने उनके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कांच की टूटी हुई चीजें होती हैं, इन सबको उठाकर स्टोरेज में रख देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक है, टूटी हुई कांच की चीजें, स्टील के बर्तन या ऐसा कुछ भी है, उनको भी इसी टाइम पर बाहर निकालें। इससे आपका घर जो है वो साफ रहेगा, वो स्वच्छ रहेगा, और आप लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और दिवाली जो है उसे बेहतर तरीके से मना पाएंगे।